गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम जो है कंटिन्यू करते हैं लिमिट का चैप्टर। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन जो है फिर आज करते हैं, जो आईआईटी जेई में बार बार रिपीट होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? जैसे क्वेश्चन है ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एम साइन एक्स अपॉन एम प्लस कॉस थ्री एक्स बाई एम की पावर कॉस थ्री एक्स बाई की पावर एम की पावर टू एक्स बाई एम प्लस ठीक है भाई। अब इसे जो है अगर ये फॉर्म में बना लेता हूं तो वन अपॉन जीरो की वन प्लस माइनस वन में इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? एक जोड़ लूंगी, क्या कर सकता हूँ अगर इसकी? देखो ये क्या है, इसकी लिमिट जीरो, इसकी पावर क्या आ जाएगी? जीरो को जीरो वन, वन की पावर जीरो। ठीक, अब इसे क्या कर सकता हूँ? इसमें जो है एक बार जोड़ लेता हूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ मैं इसमें जो है माइनस कर लेता हूँ, एक बार जोड़ लेता हूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ मैं माइनस कर लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस साइन एक्स बाई एम प्लस कॉस थ्री एक्स बाई एम माइनस वन टू एक्स की पावर एन। ठीक है भाई, अगर ये वन प्लस में होता है ये वाला ये, तो इसकी क्या हो क्या ई टेंस टू, पहले फॉर्मूला बता रहे लिमिट क्या होता है, लिमिट ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या रहता है ये एक्स और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है साइन एक्स बाई एम प्लस कॉस थ्री एक्स बाई एम माइनस वन की पावर टू एक्स बाई एम, इन दोनों की क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। अच्छा और ये भैया ये क्या आ जाएगा, अब ये अभी इसको देखो, अभी इसको करेंगे टू एक्स बाई एम, टू एक्स बाई एम, टू एक्स बाई एम से टू एम बाई एक्स कर लो, क्या कर लो उसके लिमिट को टू एम बाई एक्स की होगी वन की पावर इनफिनिट, अब हो जाएगी वन की पावर इनफिनिट होगी टू एम बाई एफ एक्स टू एम बाई एफ। अब किस फॉर्म में आ गई है, इसमें लिमिट रखेंगे क्या आ जाएगी, ये जीरो बाई फॉर्म, जीरो बाई फॉर्म आ गई है यहाँ पे, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे इसमें, क्या लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, पहले बताया था मैंने। अगर ये क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये भी होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, जब तक कि ये इसका जीरो बाई जीरो फॉर्म ना या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ना चेंज हुआ है, तो इसको क्या बार बार क्या है डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक, तो भाई क्या आ जाएगा ये साइन एक्स बाई का कॉस एक्स बाई एम वन बाई एम माइनस कॉस थ्री एक्स बाई का साइन थ्री एक्स बाई एम साइन थ्री एक्स बाई एम थ्री बाई एम आ गया इंटू टू एम बाई टू ऊपर आई इंटू एक्स, एक्स पे क्या आ गया क्योंकि ई टेंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो भाई ये क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ये आ गया वन बाई, ये वन आ जाएगा, क्या आ गया ई की पावर, क्या आ गया लिमिट एक्स ई की पावर वन बाई एम मल्टीप्लाई टू एम, ई की पावर एम मल्टीप्लाई बाई टू एम, ये क्या आ जाएगी एम से एम जाएगा, क्या आ जाएगी ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगी ई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड बता रहे इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो इंटू रब करो इसे, जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, एट रूट टू, एट रूट टू माइनस कोस फाइव एक्स, कोस फाइव एक्स, कोस फाइव एक्स प्लस साइन एक्स, की पावर अपॉन रूट टू माइनस रूट टू साइन एक्स की पावर सेवन अपॉन रूट टू माइनस रूट टू साइन एक्स, ये आ गया अपॉन रूट टू की साइन एक्स। देखो भाई इसमें अगर एक्स टेंस टू पाई बाई फोर करा, ये क्या आ जाएगा यार कोस पाई बाई फोर, कोस फाइव पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर रूट टू माइनस रूट टू साइन पाई बाई फोर, ये तो जीरो आ गए नीचे, नीचे क्या आ जाएगा ये नीचे की है कोस फाइव है ना, ये क्या आ जाएगा कोस फाइव मल्टीप्लाई फाइव बाई फोर प्लस साइन साइन फाइव बाई फोर, ये रखिए। अच्छा और ये के क्या आ जाएगा फिर इसमें, इसकी पावर सेवन भी है, ये आएगा वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू प्लस इसकी कितना जाएगा ये कोस फाइव माइनस वन एट्टी अपॉन फोर, ये भी कोस 45 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा कोस कोस 45 आ गया वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू टू रूट टू, वन बाई रूट टू टू अपॉन रूट टू, ये क्या आएगा रूट टू की पावर थ्री आएगा, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, और फिर जो है सेवन आ जाएगा ये इसमें, ये भी जो है जीरो बाई जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। देखो ये भी है क्या आ जाएगा ये जीरो, ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। फिर इसमें क्या लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा क्या आ गया भैया एट रूट टू, तो क्या आ गया जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस सेवन कोस का क्या आ जाएगा साइन फाइव एक्स पॉन फाइव मल्टीप्लाई फाइव प्लस साइन एक्स का कोस एक्स अपॉन रूट टू का जीरो, क्या आएगा माइनस रूट थ्री कोस एक्स
लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर। ये सेवन है ही, ये सेवन है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, ये है ना एक्स पावर एन का क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स माइनस माइनस वन, और फिर इसका जाएगा ये एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये क्या जाएगा कोस फाइव एक्स प्लस साइन एक्स की पावर सिक्स ही आ जाएगा। ठीक है भाई, ये साइन टू एक्स, ये क्या मान लो साइन टू एक्स क्या आएगा, क्या रूट टू टू साइन टू एक्स पे क्या आएगा कोस टू एक्स और टू का टू रूट टू, ये है टू रूट टू माइनस टू रूट टू कोस टू एक्स माइनस टू रूट टू अपॉन फोर टू एक्स, ये इसमें लिया है लिमिट एक्स टेंस टू फाइव बाई फोर करूंगा, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू फाइव बाई फोर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये तो क्या आ जाएगी फाइव पाई बाई फोर कोस फाइव बाई फोर मतलब फोन रूट, ये क्या आ जाएगी कोस फाइव इंटू फाइव पाई बाई फोर प्लस साइन फाइव बाई फोर, और नीचे क्या आ जाएगा कोस फाइव बाई फोर से क्या आ जाएगा ये कोस फाइव बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा ये कोस फाइव बाई टू, फाइव बाई फोर लिमिट क्या आ जाएगा कोस फाइव बाई टू, कोस फाइव बाई टू की वैल्यू कितनी होती है जीरो, क्या आ जाती है ये जीरो। अच्छा कोस टू एक्स का फॉर्मूला, इसमें कोस टू एक्स का फॉर्मूला रख दूंगा भैया, फिर यार जीरो बाई जीरो बाई जीरो की फॉर्म हो रही है, फिर यार कोस टू एक्स क्या फॉर्मूला रख दूंगा मैं, ये तो फाइव साइन फाइव एक्स प्लस कोस एक्स, ये क्या आएगा कोस फाइव एक्स कोस फाइव एक्स प्लस साइन एक्स की पावर सिक्स अपॉन कोस टू एक्स माइनस टू रूट टू कोस टू एक्स का क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये यार ये फाइव जो है दिक्कत पैदा कर रहा है, तो फाइव को हटा दे यहाँ तो कितना आसान हो जाएगा ये, ठीक है देखो ये इसकी वजह से ये दिक्कत पैदा कर रहा था। ये आ जाएगा इसकी इसकी जगह आ जाएगा कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ये आ गया। अब तो फिर ये क्या आ गया माइनस के साइन एक्स क्या आ गए माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, ये क्या आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन माइनस टू रूट टू लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, इसे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, इस कोस एक्स प्लस साइन एक्स इस कोस एक्स माइनस साइन एक्स से ये चले जाएगा, और ये है इसकी पावर कितनी है सिक्स है, ये फाइव आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये फाइव आ जाएगी, क्या आ जाएगी और ये माइनस का सेवन चलिए आस पास में, तो ये क्या आ गया लिमिट, ये क्या आ गया लिमिट
एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, इससे तो ये इससे क्या आ गया, ये कट जाएगा, ये -7/2 -7/2 क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स प्लस 5x पावर 5, और इसमें जो है लिमिट में 5/4 रख के क्या आ जाएगा, कोस 5/4 की वैल्यू 1/√2, साइन 5/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2 कितना रहता है 2/√2, 2/√2 ये आएगा, ये अच्छा, ये साइन 5/4 प्लस कोस 5/4, यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2 = √2 मल्टीप्लाई √2/√2, क्या आ गया √2, क्या आ गया √2 आ गया, क्या आ गया ये √2, ये क्या आ गया -7/√2, ये कितना आ गया √2 की पावर, कितना आ गया √2 की पावर 5, ये क्या आ गया, ये आ गया -7/√2 = √5, ये क्या आ गया -7/√2, इसकी पावर क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितना आ जाएगा 4/√2, इस √2 से √2 ये आएगा, तो क्या आएगा माइनस के 8/28, अच्छा 2 से 2 द 4, तो क्या आ गया माइनस के 14, माइनस के 14 आ गया, क्या आंसर आ गया इसके माइनस के 14 आ गया। अच्छा भाई ये जो है ये माइनस, ये था माइनस से माइनस काट दो, या जू कर दूँ, प्लस यहाँ ये था माइनस था, ये माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस 14 क्या आएगा, ये प्लस के 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए ई की पावर एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स, माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2 5 ए बी एंड सी, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए अपॉन बी अपॉन सी। देखो भाई अब ये क्या फॉर्म हो रही है, इसमें एक्स टेंस टू 0 रखूंगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस सी, ये हो ही नहीं रही है, अभी हो तो नहीं रही है, नहीं, ये आएगा ए आ जाएगा, यहाँ माइनस बी आ जाएगा, यहाँ प्लस सी आ जाएगा, हो नहीं रही है, लेकिन मुझे ये फालतू से लग रहा है, इस फालतू से लगने के लिए क्या करूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए ई की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स
साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, ये आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी आ गई, ये वन आ गई, कितनी आ गई है इसकी लिमिट, कितनी आ गई है वन आ गई। ए पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। देखो भाई अब इसका जो है, अब इसकी इन सब की लिमिट जो है कांस्टेंट है, इन सब की लिमिट क्या है कांस्टेंट टू आ रही है। कांस्टेंट कब आती है, मैंने बताया था कि इसकी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, न्यूमेरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होनी चाहिए। अच्छा और अच्छा अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या चाहिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म होनी चाहिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म होनी चाहिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी जब तो इसकी लिमिट आई होगी टू। अच्छा अब ये दोनों की जो है पावर, अब अगर इसकी लिमिट रखू नीचे तो आ गया जीरो, नीचे क्या आ गया इसकी पावर, ये नीचे तो जीरो हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा कि ए माइनस बी प्लस सी, तो ए आ जाएगा। ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर जीरो की वैल्यू वन, यहाँ फोर जीरो, फोर जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, और ई की पावर माइनस जीरो की फिर अगेन वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो ये आ गया ए माइनस बी प्लस सी, क्या आ गया ए माइनस बी अपॉन सी, ये भी जो है जीरो ही होना चाहिए, क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म बनने के लिए क्या चाहिए, ए माइनस बी अपॉन सी क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया जीरो। अच्छा जब जीरो नहीं है तो ये क्या जाएगा, ये हैंस ए माइनस, हमेशा क्या करता हूँ जब भी अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो इसका एल हॉस्पिटल, नहीं तो इसकी इक्वेशन बनाता हुआ चलूंगा मैं हमेशा, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे सोल्व, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, क्या आ जाता है ए माइनस क्या जाता है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या आ गया ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये अब फिर क्या करता हूँ, फिर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एक्स माइनस बी साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे टू एक्स स्क्वायर के आगे टू एक्स। फिर इसमें देखता हूँ मैं, देखो ये तो फिर नीचे जीरो आ गया, इसके नीचे क्या आ गया जीरो आ गया, ये नीचे ऊपर क्या बचेगा, ये ए ए माइनस सी, लिमिट साइज के बराबर टू चली रही है, फिर जो है जब ये डिनोमिनेटर जीरो है, ये शो दिखा रहा कि इससे ये भी जीरो होना चाहिए था, ये भी जब तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी, जब ये जीरो होगा तो ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी ये क्या दे दिया हमने लिमिट रख के, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, क्या आ गया ये ए माइनस क्या आ गया ये ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू सी। ठीक अच्छा फिर इसका जो है, अब इसका जीरो बाई जीरो फॉर्म मान लीजिए, फिर इसको क्या करा, फिर इसका एक बार और क्या कर सकते हैं, एक बार और इसका वो कर लिया एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, क्या करा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या करो, ए ई पावर एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू टू। फिर इसमें क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन अपके टू आ जाएगा, आपके नीचे क्या आ जाएगा टू और अपॉन टू, देखो आपके नीचे जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनी है इसलिए एल हॉस्पिटल रूल जो है नहीं खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू टू, क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, ये हो गई थर्ड सिचुएशन, ये कौन सी होगी थर्ड, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे
सेकंड। अच्छा ए की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू सी है, पुट बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट रखूंगा, ए की वैल्यू सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए रखे, टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, ये मान लिया फोर्थ आ गई। अच्छा बाई, अब इसके बाई थर्ड पे, बाई अब इसको बाई थर्ड इक्वेशन पे कर लूंगा, बाई थर्ड पे ए क्या रखा है मैंने, सी इक्वल टू ए क्या आ जाएगा, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी इक्वल टू फोर, टू ए बी इक्वल टू फोर, अभी तो दोनों क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, क्या आएगा, फोर ए इक्वल टू फोर इज इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन है तो सी इक्वल टू क्या आ गया, इज इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू वन, ए भी वन है सी भी वन है, पुट कर दूंगा यहाँ कहीं भी पुट कर दो, ए वन है सी वन है तो बी कितना आ गया, टू ए बाई बाई बी इक्वल टू कितना आ गया, टू स्टैटिक फोर, ए इक्वल टू वन है, सी इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू टू है। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन था, हमेशा बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टू, ये इसकी लिमिट दे रखी है टू, इस ये 2022 का शायद क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या है कि इसमें जो है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमेशा जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी अननोन वेरिएबल की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये इसमें 0 0 बाई 4 में है, मान ले 0 0 बाई 4 में है, ये 0 0 बाई 4 में है, तो जब तक के ये 0 0 बाई 4 में नहीं आता तो उसका एलोस्टर रूल लगाते रहेंगे, क्या लगाते रहेंगे, इसका एलोस्टर रूल लगाते हैं, और नहीं तो जो है इसकी जो है मान लीजिए जैसे डिनोमीटर हो गया जीरो, इसे अगर किसी मान लिया किसी ये कोई फंक्शन है, इसका डिनोमीटर क्या है, ये जीरो जीरो आ गया, जीरो की तरफ कन्वर्ज हो गया, ये जब लिमिट जब आई होगी दो, तो ये भी तो जो है दो की तरफ, ये भी तो जीरो की तरफ कन्वर्ज होना चाहिए, नहीं जब जीरो की तरफ कन्वर्ज होगा ये जब इसमें लिमिट रखी है जहां की भी होगी, तो न्यूमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो उसे जो है जीरो के बराबर लिख दिया करेंगे, फिर बाद में लिमिट लगा लेंगे, जो इक्वेशन होगी उन्हें जो है सोल्व कर लिया करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो एक एक और नया क्वेश्चन है, लगाते हैं एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अल्फा एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन, अल्फा एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन ए पावर एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन अल्फा एक्स ई पावर थ्री एक्स माइनस वन, ये सवाल है, इज इक्वल टू बीटा, इज इक्वल टू बीटा है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, ये कोई फंक्शन है, अल्फा एक्स माइनस ई की पावर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, अल्फा एक्स ब्रैकेट ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बीटा, फाइंड फाइंड क्या निकालना है इसका, देखो अब इसका क्या निकालना है, अब मैं क्या करूं, देखो भाई
देखो इसका ये समझ में आ रहा है कि देखो अगर इसका एक्स टेंस टू जीरो रखो, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, ये जीरो माइनस वन, ये जीरो आ रहा है ठीक। लेकिन इससे पहले जीरो बाई जीरो फॉर्म तो है ही रखी है, ये मुझे क्लियर है। लेकिन इससे पहले क्या करता हूँ मैं, इसमें इससे पहले क्या करता हूँ मैं इसमें, कि ये जो दिख रहा है, अगर इसमें ये कर दूं मैं e की पावर x माइनस वन अपॉन x, क्या कहने का फॉर्मूला होता है, e की पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू कहने के बराबर से आए, वन के बराबर से आए लिमिट x टेंड्स टू जीरो में, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो क्या आ गया ये लिमिट, देखो अब तुमको इसको क्यों नहीं छेड़ा मैंने, इसको छेड़ने, इसको ये भी ऐसा ही है। देखो ये जो है ये मल्टीपल में, ये पूरा फंक्शन है मल्टीपल में, यहाँ ये जो है अकेला नहीं है, इसके साथ ही है, ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये गलत हो जाता है, जो इसके साथ करते हैं वही इसके साथ करना था, अकेला फंक्शन नहीं था, ये माइनस के साथ है फंक्शन, ये क्या है इसके साथ ये, और ये जो है मल्टीपल में, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए लोग इसको जो है छिड़ाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अल्फा एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा एक्स ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करके और थ्री एक्स से डिवाइड करके ठीक। ये तो लिमिट लगा के हो गया वन, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, बचा क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अल्फा एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एल्फा थ्री अल्फा एक्स का स्क्वायर, ये तो हो गई लिमिट वन मल्टीप्लाई वन के थ्री अल्फा एक्स का स्क्वायर, और ये सब लिमिट क्या की इक्वल हो रही है, ये सारी लिमिट बीटा की इक्वल, ये सब लिमिट क्या की इक्वल हो रही है, बीटा के इक्वल हो रही है। अच्छा अब इसमें जो है, अब मगर एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा मैं, अगर इसमें क्या रखूंगा मैं, एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो ये जीरो, ये आ गया जीरो अपॉन जीरो ठीक है नहीं। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगा जीरो बाई जीरो, ये लिमिट बाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आ गया, एल्फा माइनस थ्री ई की पावर थ्री एक्स अपॉन सिक्स एल्फा एक्स, सिक्स एल्फा बाई एल एच एस बाई एल हॉस्पिटल रूल से थ्री आ गया। तो देखो भाई ये अल्फा माइनस थ्री ए, फिर इसमें जो है एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा, ये तो जीरो आ गया, ये आ गया अल्फा माइनस थ्री। अच्छा इसकी लिमिट जो है बीटा की इक्वल है, लिमिट क्या की इक्वल है इसकी, बीटा की इक्वल चली आ रही, लिमिट क्या की इक्वल आ रही, बीटा की इक्वल चली आ रही है वही। अच्छा अब ये जो है फिर वही आ गया जीरो अपॉन, ये तो नीचे हो गया, जब ये जीरो हो गया तो ऊपर की भी जो है जीरो ही होनी चाहिए, ये लिमिट एक के क्या आ गया अल्फा माइनस थ्री, यानी ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी क्या आना चाहिए अल्फा माइनस थ्री, तो क्या आएगा अल्फा माइनस, यहाँ से क्या ले लूंगा मैं अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थ्री आ गया, इक्वल टू अल्फा इक्वल टू थ्री। अब इसी तरह से अब ये आ गया, अब इस वक्त भी जो है मैं एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या जाएगा वन अल्फा की जीरो वैल्यू माइनस नाइन ई की पावर थ्री एक्स अपॉन सिक्स अल्फा एक्स, सिक्स अल्फा आ गया, क्या आ गया सिक्स अल्फा ई की इक्वल टू बीटा, ई की इक्वल टू बीटा बाई एल एच, वही क्वेश्चन है। फिर इसमें एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा, क्या आ जाएगा माइनस नाइन अपॉन सिक्स एल्फा इक्वल टू बीटा, और एल्फा की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, थ्री निकाल दी यहाँ से, माइनस नाइन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री
इक्वल टू बीटा, 9 थीटा 9/18 इक्वल टू बीटा माइनस के 1/2 इक्वल टू बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के हाफ। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के हाफ आ गई। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के हाफ आ गई। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये चीज। देखो भाई, आई सुनिए भाई, कुछ बात कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम है नहीं? देखो भाई, एक बार अगले, देखो ये कोई फिर कोई फंक्शन है, एक बार वो समझो, ये जो एडिटिंग है, ये फंक्शन दे रखा, ये बीटा है, इसमें की निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें अगर सीधा मैं लिमिट रख, इसमें मैंने क्या करा, पहले इसको ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को वन बनाने के लिए इसको कर दिया, इसको क्यों करा, क्योंकि ये मल्टीपल में फंक्शन है, वहां जो है प्लस माइनस में उसकी जगह क्या आ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, ये तो मैंने वन बना दिया, ये फिर जो है ये बना दिया, ये जो कहते हैं ये आ गया। फिर मैंने देखा क्या, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर इसको जो है मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया कि आगे अल्फा, ये आगे अल्फा -3e^3x/6α(x). अगर ये आ गया है, अगर ये आ गया है, तो ये हो गया अल्फा माइनस थ्री क्या? अच्छा, जब ये मैंने ये रख दूंगा तो ये 0/0 आ जाएगा, जब ये 0 आ गया तो ऊपर का भी जो है 0 होना चाहिए था, जब लिमिट रख के क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस थ्री क्या आ जाएगा, ये इस तरह का अल्फा माइनस थ्री अपॉन, ये 0/0 फॉर्म कब आएगा, ये भी कन्वर्ज होना चाहिए 0, यानी कि अल्फा इक्वल टू थ्री। अच्छा, फिर ये अल्फा इक्वल टू थ्री आ गया, फिर मैंने इसका ये है, फिर एक बार और मैंने एल एच एल करा, -9e/3x/6α (-9/6α) इसमें फिर लिमिट रख दी, क्या आ गई, ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ई पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1 आ गई, क्या गया, -9/6α(β), अल्फा की वैल्यू कर दूंगा यहाँ से, ये आ गया β=-3। देखो भाई, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है किसी तरह का, ये इस फंक्शन को जिस तरह भी सोल्व, कभी भी जब भी सोल्व करेंगे इस तरह के फंक्शन को, और भी क्वेश्चन करूंगा मैं, तो इसका देखते हैं कि 0/0 फॉर्म है, नहीं तो 0/0 के कन्वर्ज करके उसकी इक्वेशन बना लो, और फिर जो है नहीं तो उसको करते चले। ठीक, दैट इज ऑल, ये जो है इस तरह का ये क्वेश्चन है। अगली बात सुनो भाई, आगे बैठे, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन एल्फा एक्स माइनस के साइन एक्स, एल्फा एक्स माइनस के साइन ये है। ये कोई फंक्शन है हमारा, क्या है, देखो फिर इसमें जो है, जैसे पहले इसमें डिनोमिनेटर में करा था, अब फिर इसमें जो है मैं जो है क्या कर सकता हूँ, इसमें इसको ले लूँ फंक्शन को, इसको जो है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू बना लूंगा, ये वैसे जो है 0/0 की फॉर्म बन गई है वैसे, तो
लेकिन फिर इसको साइन बीटा एक्स से जो है स्वाद से लग रहा है तो खत्म कर दूंगा किस तरह। लिमिट देखो ये फंक्शन को ले लिया मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस के साइन एक्स अल्फा एक्स माइनस के, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं मैं, इसे एक्स स्क्वायर को जीरो तुम रख लिया साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स और ये आ गया बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस के साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बीटा एक्स जीरो तुम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई, साइन एक्स कौन एक्स की वैल्यू वन आ गई, साइन जीरो की तरफ कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है आ गया एक्स क्यूब बीटा अपॉन अल्फा एक्स माइनस के साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फिर इसका क्या आ गया, ये न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर है, फिर ये 0/0 फॉर्म है, इसमें बाई एल एच एल लगा दूंगा, एल ओ स्क्वायर रूल से क्या आ जाएगा, ये 3x² बीटा अपॉन अल्फा माइनस के कोस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखो एच जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करूंगा ऊपर का तो जीरो आ गया, ऊपर की क्या आ गई लिमिट, यहाँ ये तो जीरो आ गई ऊपर की लिमिट, तो ये नहीं, ये ऊपर की लिमिट क्या आ गई है, दो जीरो आ गई है, नीचे की तरफ भी जो है ये करूंगा तो ये आगे अल्फा माइनस वन, जब ये है तो ये भी जो है जीरो की तरफ कन्वर्ज होगी, ये भी जब तो दोनों इक्वल होंगी है 0/0, तो अल्फा माइनस वन इक्वल टू टेन अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू वन, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया, क्या आ गया अल्फा इक्वल टू वन। फिर इसका एक बार वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका, ये कह रहा है बाई एल एच एल, बाई बाई एल एच एल, फिर इसका एक और कर दूंगा, इसका क्या आ जाएगा 6x क्या आ जाएगा, ये 6xb क्या आ जाएगा 6xb अपॉन अल्फा की तो जीरो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स, प्लस के साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा देखो यार ये एक और काम हो सकता है, इसमें मैं जो अल्फा की वैल्यू जो वन लिख ली है, जो अल्फा की वैल्यू मैं वन ही रख दू, अल्फा की वैल्यू क्या रख दू मैं इसमें वन क्या रख दू यही रख दू, क्या रख दू इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या रख दू मैं यही रख दूंगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आएगा 3x² बीटा अपॉन 1 - 4 वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स, और अगर ये मान जाइए एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही थी ये, ठीक नहीं है, और ये आगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3 बीटा अपॉन 1 - कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इसको कर सकता हूँ इस एक्स स्क्वायर के हाल है, इसके नीचे लिख दिया, ये ऊपर जाके मेरी में जाएगा, ये 1 - cos x² अपॉन एक्स स्क्वायर के हैं के बराबर होता है, ये बीटा के इक्वल होता है, अच्छा इसकी लिमिट मान लिया ये है 1 की 4 मान, क्या मान लिया के ऊपर 1 के बराबर मान लिया 1 के बराबर मान लिया इसकी लिमिट।
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के है कि इक्वल हो जाए 1 बाय दिस, तो क्या आ जाएगा ये लिमिट 3 बीटा अपॉन हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है 6 बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 6 आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी हो ये अल्फा बीटा बस यही आ गए, अल्फा बीटा की निकालनी थी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई क्योंकि से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लो या अल्फा बीटा जो भी निकालना हो वो हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या फंक्शन है, ये फंक्शन था ये लेट अल्फा सवाल क्या था, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, इस तरह के थे कि फंक्शन एक्स टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन, इसका क्या था। अब इसको जो है हम ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इसको पहले इसको जो है मैंने 1 बनाने के लिए बीटा एक्स से मल्टीप्लाई के एंगल से ऊपर नीचे कर दी, ये तो हो गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बीटा अपॉन, अच्छा फिर इसमें जब मैं इसका एल एच एल लगा देंगे एल वर्स का रूल लगा देंगे ऊपर से ऊपर डिफरेंशिएट नीचे का नीचे करके ये आ गया, जब यह 0/4 आ जाएगी 0/(α-1), जब ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो ये अल्फा माइनस वन तो 0 होना चाहिए था ना, ये तो अल्फा माइनस वन इक्वल टू एल अल्फा माइनस वन इक्वल टू 0, अल्फा माइनस वन क्या आ जाएगा ये 0 के बराबर होगा, अल्फा माइनस वन सॉरी क्या आ जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 है, अल्फा की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ 1 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, वही क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, अच्छा अब मुझे पता है ये होता है ना फॉर्मूले की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हाफ का इक्वल होता है, इसको हाफ बनाने के लिए ये एक्स स्क्वायर है इसको कहाँ रख दिया मैंने नीचे रख दिया, उसके नीचे कहाँ रख दिया इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख दिया, ये आ गया तो क्या आ गया 3 बीटा अपॉन हाफ, 3 बीटा अपॉन हाफ इक्वल टू 6 बीटा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1/6, आगे भी बात नहीं देखो तो आगे बढ़े कुछ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर माइनस ए है ई की पावर ए है ई की पावर माइनस ए है कोस बी एक्स कोस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 सी एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 एक्स 1 माइनस कोस 2 एक्स 1 माइनस कोस 2 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 एक्स इज इक्वल टू कितना है 12 या 17 जो भी मानो 17 ये 17 है। फाइंड क्या पता करना है फाइव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकालना है
इसकी वैल्यू निकालनी है, 5a² + b² इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई सवाल है, ये लिमिट e^(ax−cos(bx−cx) e−cx/2 = 1 − cos²(70) फाइंड 5a² + b² 5a² + b² निकालने से पहले क्या करूंगा मैं इसमें, पहले इसमें जो है ए और बी पता होने चाहिए मुझे, ए और बी किसका पता होंगे इसमें, ए और बी क्या होने चाहिए इसमें, पता होने चाहिए ए और बी किसका पता होंगे, क्या करूंगा मैं इसका, इसको खत्म कर ले पहले, ये क्या कर लूंगा मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्या खत्म करना चाहता हूँ, देखो लिमिट, देखो लिमिट x→0 e·(ax−cos(bx−cx)·2 / 1 − 1 − 2 sin²x। ये क्या आ जाएगा भैया, e·(ax−cos(bx−cx)·2 / 1 − 1 + 2 sin²x। इस 1 से तो 1 चला जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x→0। ठीक, ये क्या बच जाएगा, e·(ax−cos(bx−cos(bx−cx)·2 / 2 sin²x लिमिट्स x→0। ठीक है भाई, और अब क्या कर दूंगा, अब इसको sin x / x को फिर से 1 बना लूंगा मैं, इसे क्या करूंगा x² को ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा यहाँ, फिर क्या आ जाएगा, ये e·(ax−cos(bx−cx)·2 2x²sin²x/x² sin²x/x², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी a, तो क्या आ जाएगा ये लिमिट, ये क्या आ गया लिमिट x→0 e·(ax−cos(bx−cx)·2x²/2x²= e·(ax·cos(bx−cx)·2 क्या आ गया, ये 17 आ गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये, देखो ये जब मैं लिमिट रखूंगा, ये आएगा 1 − 1 1 − 1, ये 0 आ जाएगा, ये 0/0 0/0 फॉर्म हो रही है, 0/0 फॉर्म ही है, इसका क्या लगा दूंगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा इसमें, एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्या आ जाएगा, ये लिमिट x→0 e·(ax·cos(bx) का −−−+sin·bx/sin·bx का b −, ये 2b है भाई, ये क्या कौन 2b चला रहा है, ये कौन 2 अपॉन क्या चला रहा है, ये −px·e·(ax·cos(bx·cx)
एक्स अपॉन टू। देखो इसका देखो ये जो है, ये जो है क्या है, ये फॉर्मूला है मल्टीपल में एक्स और ई की पावर माइनस थ्री है, क्या आ जाएगा ये माइनस थ्री तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये एक्स, एक्स का बन जाएगा ई की पावर माइनस सी एक्स, ई की पावर माइनस सी एक्स माइनस सी माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स, तो जुगो तुम फिर यहाँ एक्स भी जुगो तुम ई की पावर माइनस एक्स का सी ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन टू, सारे के अपॉन टू, सारे के अपॉन टू अपॉन किया जाएगा चार। देखो भाई फॉर्मूले क्या है, ये एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स है। देखो तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाता है, एडिटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन एडिटिव, फलर फर्स्ट एडिटिव ई पावर माइनस सी एक्स का ई पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का माइनस सी प्लस माइनस माइनस सी, ये आ गया माइनस सी एक्स, ये आ गया माइनस सी एक्स, क्या आ जाएगा एक्स ये ई पावर माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स सी ई पावर माइनस सी एक्स, ये आ गया। वहां तक बात समझ आ गई भैया, अच्छा अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 17 आ रही है, अब अगर इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखते हैं, ये ए आ गया, इधर नीचे तो 0 आ गया, नीचे तो क्या आ गई है सारा, क्या आ गया नीचे तो क्या आ गया सारा, ये 0 आ गया नीचे, एक तरीके से क्या आ गया सारा 0 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा ये ए, क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी, ए ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये आएगा ए माइनस सी बाई टी, क्या जाएगा ए माइनस सी बाई टी, जब लिमिट रखूंगा मैं सारी, ये भी 0 की वजह से साइन 0 की, ये भी 0, ये आएगा सी बाई टी, आसान नहीं जाएगा वैसे, मुश्किल देख रहे थे लिमिट के, सी बाई टू इक्वल टू अपॉन 0 इक्वल टू क्या जाएगा 0, तो ये जब 0 बाई 0 फॉर्म में होगा तो ये भी 0 होना चाहिए, क्या जाएगा ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू 0, क्या जाएगा ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a माइनस सी बाई टू क्या जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, a माइनस सी बाई टू इक्वल टू 0, a इक्वल टू इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू सी बाई टू या c इक्वल टू 2a या c इक्वल टू क्या आ गया 2a। अच्छा फिर देखो एक बार और, फिर से क्या करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर ये 0 बाई 0 है, फिर इसको क्या कर सकता हूँ मैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, एल ओ स्केल रूल एक बार और लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ एल ओ स्केल रूल एक बार और लगा देता हूँ, क्या जाएगा ये ए ई की पावर एक्स, क्या जाएगा ये ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, यहाँ से क्या जाएगा साइन बी एक्स का कोस बी एक्स, बी का बी बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन कोस बी एक्स, क्या जाएगा कोस बी एक्स, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बी बाहर है सी बाहर है ई की पावर माइनस सी एक्स का ई की पावर माइनस सी एक्स से क्या जाएगा माइनस सी ई की पावर माइनस सी एक्स माइनस, ये क्या जाएगा एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स का क्या जाएगा, ये एक बार तो जाएगा माइनस सी ई की पावर माइनस सी एक्स है भाई, फिर माइनस 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 प्लस आ जाएगा एक्स, एक्स आ जाएगा ये आ जाएगा सी का स्क्वायर ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन फोर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा ये फोर आ जाएगा, ये कोस माइनस कोस आएगा प्लस का रह जाएगा, ये क्या आएगा प्लस, अच्छा फिर अभी इसमें देखो
अब इसमें क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें लिमिट रखूँ, क्या रखूँ इसमें लिमिट रखूँ, लिमिट रख के क्या आ जाएगा ये यहाँ पे नीचे तो खत्म ही हो गया, क्या आ जाएगा इक्वल टू 17 आ रही है इसकी लिमिट, 17 क्या क्या आ रही है ये मत भूलना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यार, ए स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इधर से क्या आ जाएगा देखो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये सारा क्या आ जाएगा, ये सारा जीरो। वो नीचे अपॉन टू भी तो है, ये नीचे क्या आ रहा है, ये अपॉन टू, ये सारा नीचे टू है, जब ये नीचे सारा टू है, जब नीचे सारा ये टू है, माइनस सी क्या आ जाएगा, माइनस टू से टू सी आएगा, और माइनस माइनस प्लस सी आ जाएगा ना यहाँ पे, माइनस सी अपॉन टू, तो माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस टू सी अपॉन टू क्या आएगा, माइनस टू से टू जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर नीचे है फोर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, थोड़ा छोटा कर दिया क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू 17 क्या आ गया, इक्वल टू 17। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68। यहां से इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, अब यहां पे क्या आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68, ए इक्वल टू सी बाई टू या सी इक्वल टू 2a, इक्वल टू क्या लिख दूंगा यहाँ से 2a, सो क्या जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 68 क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 68, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68 दैट इज सॉल्व। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ये आ गई 68, ये आ गई है 68, इनकी वैल्यू क्या आ गई है 68 आ गई है। देखो भाई भाई किसमें में भैया, देखो एक सवाल था, ये क्या सवाल था, ये लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर ए एक्स माइनस cos बी एक्स सी एक्स e की पावर माइनस सी एक्स अपॉन टू 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 17 ये था। अब मैंने क्या करा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये लगा दिया थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 से आ गया ये आ गया। अच्छा अब मैंने देखा कि ये जो है ये 2 sin स्क्वायर x है, फिर से sin x अपॉन x को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, फिर ये आ गया सवाल, अब मेरा आ गया ये सवाल आ गया यहाँ ठीक। अब मैंने क्या करा, अब इसको देखा कि यह 0/0 फॉर्म में लग रही है, 0/0 है, तो इसमें बाई एल एच एल लगा दे, क्या बाई एल एच एल, एल एच एल लगा के ये आ गया, हेलो उसके रूल लगा दे ये। अब इसमें देखा मैंने जब लिमिट लगाऊंगा मैं, नीचे की तो 0 हो गई, ऊपर की क्या आ गई है, इसके ये ए आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये आएगा माइनस, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस सी बाई टू, तो ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू 0, ए इक्वल टू सी बाई टू या सी इक्वल टू 2a ठीक। अब फिर मैंने इसका फिर इसका एक बार और क्या मैंने इसका बाई एल एच, फिर एक बार इसका जो है मैंने ऊपर का भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, नीचे का भी, जब मैं इसको करूंगा जो डिफ्रेंशिएटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ माइनस भी है और फंक्शन का, फिर वो जो है मल्टीचेन है, दोबारा शुरू हो जाएगा,
जैसे ना ई की पावर माइनस सी एक्स का, तो ई की पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का माइनस सी, ठीक इसी तरह से फिर ही आ गया। फिर इसमें जो मैंने लिमिट लगाई नीचे तो एक्स खत्म ही हो गया, ऊपर आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 17, ये आ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 68। यहाँ से करके सी की वैल्यू यहाँ से रख दी, सी इक्वल टू क्या रख दी 2a, सी की वैल्यू क्या रख दी 2a, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर, क्या आ गया 5, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस बी, तो क्या आ गया 5a स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 68। ये आंसर फाइव स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। ठीक है भाई मिटो इसको, कोई प्रॉब्लम? देखो अब एक फंक्शन आ गई है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, बताया था मैंने, और ये वन की पावर इन्फिनिटी हो, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो क्या आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इसमें से क्या कर देते हैं माइनस एफ एक्स माइनस वन की पावर जी एक्स इज इक्वल टू क्या जाता है लिमिट एक्स टेंस टू, बता रखा है एक्स टेंस टू जीरो, ये जो लिमिट है ये ई में आते हैं, क्या जाता है ई की पावर में जाते हैं, ई की पावर क्या जाता है जो ये फंक्शन है, जो ये फंक्शन है और जो इसकी पावर है इसकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, यानी क्या आ गया कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स की पावर जी एक्स है, और ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है वन की पावर इन्फिनिटी, किस फॉर्म में है ये वन की पावर, किस फॉर्म में है ये वन की पावर, किस फॉर्म है वन की पावर क्या है मैं इन्फिनिटी में, वन की पावर क्या है लिमिट इन्फिनिटी में, किस फॉर्म में है वन की पावर इन्फिनिटी में, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, अगर इसमें से एक माइनस कर देता हूँ इस फंक्शन में से एफ एक्स माइनस वन और जी एक्स क्या आ गया, तो जो जो है ई की पावर में जाती है, क्या है लिमिट ई की पावर एक्स टेंस टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, ठीक। देखो ये लिमिट जैसे क्वेश्चन लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन थ्री एक्स स्क्वायर एक्स की पावर सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, ये है तो आंसर। एक सवाल है लिमिट एक्स टेंस टू वन जीरो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स की पावर एक्स अपॉन सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो भाई अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है वन की पावर इन्फिनिटी इन द फॉर्म आ रही है, वन अपॉन इन्फिनिटी इन द फॉर्म आ रही है, फॉर्म आ रही है ना, इसको क्या करते हैं इसकी लिमिट ई की पावर क्या जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो क्या जाएगा जो फंक्शन है, जो फंक्शन है माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स होल की पावर की क्या जाती है मल्टीप्लाई है, क्या जाती है इस इनकी पावर की क्या जाती है इनकी पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, इनकी इस फंक्शन की और इसकी पावर की मल्टीप्लाई
आ जाती है। ठीक है भाई। अच्छा जी, और अब क्या करते हैं इसको, देखो ये जो है 1/2 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो गई है, इसके जो फंक्शन है ये पहले बताया था मैंने, और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या आ गया, -3 -21 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर, ये ई की पावर में चला ही आ रहा है, ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर, ये आ गया, फिर वही है एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसे क्या कर सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन क्या आ जाता है, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो क्या आ गई है, ये तो 1 हो गया, क्या आ गया, ई की पावर -2 भाई, समझ में, डेट इज सोल्ड, यानी इसका आंसर क्या आ गया, ई की पावर -21 आ गया, क्या आ गया, ई की पावर -21 आ गया। यही फंक्शन, ये बार बार, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, अगर कोई फंक्शन है ऐसा जी की पावर एक्स है, इस फॉर्म में आ रहा है, 1 to infinity आ रहा है, तो इसको लिमिट में ई की पावर में इसको चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसमें से एक माइनस कर दो, क्या कर दो, इसमें से एक माइनस कर दो, और जो फंक्शन है और जो इसकी पावर है दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक इसी तरह से 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स है, जब 1 की पावर इन्फिनिटी है तो हो रहा है, तो ये हो गया माइनस, ये फंक्शन आ गया रिपीट इंटू ये 7 की 3 और -21 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स में लिमिट लगा के 1 आ गया, तो ई की पावर है -21, दैट इज सोल्व, ये क्या आ गया, ई की पावर -21, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई। अब अगर कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो है नेक्स्ट टर्न पे मेरे से जो है डिस्कस कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है, किसी की कोई एनी प्रॉब्लम इंक्वायरी है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।